दाहोद जिले में वायरल चांदीपुरम बुखार के संदिग्ध मरीज मिलने के चलते प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने करीबन 13,19,829 कच्चे मकानों की दीवारों की जांच की है, जबकि 34,710 जितने कच्चे मकानों को डस्टिंग किया गया है। सैंड फ्लाई के नाम से जानी जाती मक्खियों की एक प्रजाति से ये वायरस फैलता है। इस प्रकार की मक्खियां कादव कीचड़ और अंधे दराल वाली दीवालों में रह के अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती है, जिसे स्वास्थ्य विभाग की ओर से 90,488 घरों में डस्टिंग के जरिए 5% मेलेथियन और चूने को मिश्रित करके इस मक्खी की प्रजाति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि कुछ सालों पहले सुखसर के कंथागर गांव में 3 बच्चे एवं 1 वृद्ध महिला की चांदीपुरम बुखार के चलते संदिग्ध मौत हुई थी। दाहोद में फिर से चांदीपुरम के संदिग्ध मरीज की शिनाख्त होने पर दाहोद प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।